एक लड़की की नई नई शादी हुई। बहू का मन उदास ना हो इसलिए सब घर वालों ने सोचा उसका खास ख्याल रखेंगे। सुबह सुबह ससुर बोला, आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी हो। शाम को सास भी बोली, आज से तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। फिर ननद बोली, आज से आप मेरी बड़ी बहन हो। शाम को जब पति लौटा तो बहू बोली, माँ जी भैया आ गए। बिहार की एक घटना। लड़की सुनो, लड़का, लड़की हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। लड़का, लड़की आई लव यू। लड़का, लड़की हम प्यार करते हैं। लड़का, लड़की कुछ बोलो ना। लड़का, लड़की साले बोल काहे नहीं रहे हो। लड़का, तोहरे इश्क के चक्कर में हम अपन रजनीगंधा थूक दे का। नंदू खेत में पेट खाली कर रहा था, उसने दो बार हवा छोड़ी। पू एक सुअर और उसका बेटा ये सब देख रहा था। बेटा, माँ मुझे भूख लगी है। सुअर, रुक जा बेटा, एक सीटी और लगने दे। अध्यापिका पप्पू से, तुम इतने परेशान क्यों हो? पप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापिका, क्या हुआ, क्या तुम अपना पेन भूल गए हो? पप्पू फिर चुप रहा। अध्यापिका ने फिर सवाल पूछा, रोल नंबर भूल गए हो? पप्पू इस बार भी चुप। अध्यापिका फिर से, हुआ क्या है, कुछ तो बताओ, क्या भूल गए हो? पप्पू गुस्से से, ओए चुप कर मेरी माँ, यहाँ मैं नकल करने की पर्ची गलत ले आया हूँ और तुझे पेन पेंसिल और रोल नंबर की पड़ी है। अध्यापिका बेहोश। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक हैंडसम लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की के सर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, राम का नाम जपा करो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज पर गायत्री मंत्र लिखकर दे रहा हूँ, इसे सोने से पहले रोज पढ़ लिया करो। लड़के ने कागज लिखकर लड़की को पकड़ाया, बस आई और वो निकल गया। शर्मिंदा लड़की ने कागज खोला, देखा तो उसमें लिखा था, अकल की अंधी पिटवाएगी क्या, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर ले, फोन पर बात करेंगे, और हाँ आई लव यू टू। टीचर, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हो तो तुम किसे बचाओगे? लड़का, डूब जाने दो सालों को, आखिर दोनों एक साथ कर क्या रहे थे? पॉइंट टू बी नोटेड। चाहे कितनी भी माउंटेन ड्यू पी लो लेकिन भूल कर भी बीवी से जुबान लड़ाने का रिस्क मत लेना, क्योंकि बीबी से माउंटेन ड्यू भी नहीं बचा पाएगी। गर्मी का भी एक फायदा है दोस्तों, ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती। विदाई के समय दूल्हे का मोबाइल बजा, दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मारा, क्यों? उसकी रिंगटोन थी, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। एक ट्रक के पीछे लिखा था, दुल्हन ही दहेज है। दूसरे ट्रक के पीछे लिखा था, दहेज लेना पाप है। अब कोई शादी करे तो कैसे? लड़कियों का मजा है, बचपन में पापा की परी और शादी के बाद घर की रानी। लड़कों का क्या, पहले माँ बाप से पिटते थे और शादी के बाद बीबी से। शुक्र है डॉक्टर ये नहीं कहते, भाई छुट्टा नहीं है, कुछ दवाइयाँ और लिख दूँ या एक और ऑपरेशन कर दूँ? टीचर, देश के सबसे ईमानदार पुलिस वाले कहाँ पाए जाते हैं? पप्पू, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में। प्रपोज करने का नया फंडा। लड़का, तूने मुझे कोई लोन दिया था क्या? लड़की, नहीं तो क्यों? लड़का, पता नहीं क्यों तेरी तरफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। कभी भी लोग आपके बारे में टिप्पणी करें तो घबराना मत, बस ये बात याद रखना कि हर एक खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। आज का ज्ञान, जिंदगी बस 2 दिन की है, एक तो शनिवार और एक रविवार, बाकी दिन तो ऐसा लगता है कि जलील होने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी शख्सियत का अंदाजा तुम क्या लगाओगी गालिब? हम तो काब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं, भाई लगी कहीं नौकरी?
पप्पू सिगरेट पी रहा था, तभी उसका बाप आ गया। पप्पू ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा ली। बाप, तू सिगरेट पी रहा है? पप्पू, नहीं तो। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट से धुआं क्यों निकल रहा है? पप्पू, आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। इंडियन सबसे ज़्यादा नर्वस तब होते हैं जब एक फटा नोट दुकानदार को देते हैं और सोचते हैं काश दुकान वाला ध्यान न दे। शादियों में तीन तरह के नाचने वाले लोग होते हैं, एक वो जो भांगड़ा स्पेशल होते हैं, दूसरा नागिन स्पेशल, और तीसरा वो जिनका देख पाता नहीं चल पाता कि नाच रहे हैं या माता आई है। पप्पू एक बारात में गया, वहाँ उसे बार बार पानी परोस दिया जा रहा था। बेचारा परेशान होकर चिल्लाया, गले में पानी फंस गया है, थोड़ा रसगुल्ला दे दो। पाकिस्तान का कहना है बजरंगी भाईजान द्वारा सिर्फ मुन्नी को लौटाने से रिश्ते नहीं सुधरेंगे। अगर रिश्ते सुधारने हैं तो सनी पाजी को कहो पहले हमारा हैंडपंप लौटाए। अभी अभी सूत्रों से खबर मिली है कि गदर पार्ट टू की घोषणा सुनते ही पाकिस्तान सभी हैंडपंपों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बजरंगी भाईजान में अगर बजरंगी अपना सनी देओल होता तो फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ यूं होती। अगर मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने सलमान की जगह सनी देओल जाता तो रात की जगह वो बॉर्डर दिन में ही पार करता और पाकिस्तानी फौजी उनका 51 रुपये और नारियल से स्वागत करते। उनसे पूछते, जीजा जी बहुत दिनों बाद ससुराल की याद आई है आपको, ये हमारी गाड़ी ले जाओ और आराम से मुन्नी को छोड़ कर आओ। आपका घर है, जितने दिन चाहो आराम से रुकना, पर जीजू अब की बार हैंड पंप मत फाड़ना। कहाँ से लगवाएंगे अभी तक पहला ही नहीं लगा पाए हैं। जीजा जी हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बेवजह माफ़ी किससे मांगी जाती है? सिर्फ भिखारी से। माफ़ करो बाबा। ये पप्पू तो कभी पास नहीं होगा। एक दिन की बात है, पप्पू अपने दोस्त के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गया। फिल्म देखते दो बार टॉयलेट जाता, बैठता, फिर जाता। अब उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और वो पप्पू से बोला, साले तुझे चैन नहीं है क्या जो बार बार जाता है? पप्पू धीरे से बोला, यार चैन तो है पर साली खुल ही नहीं रही है। आज के इस घुटन भरे माहौल में सिर्फ कस्टमर केयर वाली ही जो गरीब से गरीब आदमी से भी इज्जत से बात करती है, VIP वाली फीलिंग देती है। एक बार एडमिन चमचमाती अंगूठी पहना था। मैंने पूछा, भाई सगाई हो गई क्या? एडमिन बोला, नहीं। मैंने पूछा, अंगूठी तो चमक रही है पर इसका नग कैसा है? बिल्कुल बेकार। एडमिन, 38,090 की है भाई। मैं, भाई इतनी महंगी कैसे? एडमिन, अंगूठी तो 90 रुपये की ही है, इसमें पत्थर 38,000 का है। मैं, कौन सा पत्थर है भाई? एडमिन, कुछ नहीं यार, मुझे पथरी हो गई थी, ऑपरेशन में 38,000 खर्च हो गए, अब इतना महंगा पत्थर कौन फेंके, तो अंगूठी खरीद के इसमें लगा ली। बहुत खतरनाक खोपड़ी है एडमिन की, मान गए रे बाबा। संता को वोडाफोन में ऑपरेटर की जॉब मिली, मगर संता को पहले ही दिन बहुत मार पड़ी और निकाल दिया गया, क्योंकि पहला कॉलर, सर मेरी वोडाफोन की सिम खराब हो गई है। संता, तो पागल एयरटेल की ले लो। संता बनता खुद पर सबसे ज़्यादा गर्व कब होता है? बनता जब परीक्षा हॉल में कुछ आता ना हो और पीछे से टीचर आकर कहे, कॉपी छुपा लो, पीछे वाला देख रहा है, कसम से सीना चौड़ा हो जाता है। हरियाणी छोरा, बाबू कार की चाबी दे दे, कॉलेज जाना से। छोरे का बाबू, फिर कार की ज़रूरत किस है? छोरा, बाबू 20 लाख की कार में जाऊँगा तो कॉलेज में हवा सी बनेगी। छोरे का बाबू, ले बेटा 50 रुपये और 50 लाख की बस में जा, हवा हवा के जमा आधी से उड़ेगी। साउथ के हीरो की एक किक में विलेन जितनी दूर जा गिरती है उतनी दूरी बाइक से तय करने पर तो हमारा 1 लीटर पेट्रोल जल जाएगा।
लड़का, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले मना कर रहे हैं। लड़की, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का, एक बीवी और दो बच्चे। एक बार संता जंगल से होकर गुजर रहा था, सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर रुक गया और बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाएगा। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगती है तो अपने किन्हीं दो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हंसी का मज़ा ले सके। धन्यवाद।